गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर 1 जुलाई 2020 को। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट 2020? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 2020 का थीम क्या है? तो उसका थीम है पार्लियामेंट्स इन अ टाइम ऑफ पेंडेमिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी हैज पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च इट्स ऑन डिजिटल वॉलेट? तो फूड कंपनी जो है स्विगी, ये किस डिजिटल किस बैंक के साथ टाइप किया है जिसके साथ ये डिजिटल वॉलेट बना रही है? तो कंपनी है, वो बैंक है, वो ICICI। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फिशरी एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर दैट वाज रिसेंटली लॉन्च? तो अभी हाल ही में फिशरी और एग्रीकल्चर न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या चीज है? इसका नाम है मत्स्य संपद। इंडिया लॉन्ड एंड NTPC लिमिटेड पार्टनर टू डेवलप अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट विच इंडियन स्टेट? तो इंडियन ऑयल और NTPC लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है ए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्पोर्ट पर्सन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस? तो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक मोबाइल एप्स लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल एप्स का नाम क्या है? नाडा इंडिया। ये स्पोर्ट पर्सन को इन्फॉर्मेशन देगा कि वो पर्सन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का यूज किया है या नहीं। द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम टिल विच मंथ? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक्सटेंड किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। ये एक्सटेंड किया गया है नवंबर महीने तक। ए न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू दैट इज केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग अ पेंडेमिक हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो एक बार फिर से एक नए तरीका का स्वाइन फ्लू देखा गया है जो पेंडेमिक खड़ा कर सकता है। ये कौन से देश में देखा गया है? ये देखा गया है चाइना में। When is the International Asteroid Day celebrated across the world? तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को। Which is the headquarter of United Nations Population Fund? तो UNFPA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। Who has been reappointed as the Attorney General of India? तो Attorney General of India के लिए किसे फिर से reappoint किया गया है? तो reappoint किया गया है मुकुल रोहतागी को। Who has been named as India's most valuable test player of the 21st century by Wisdom? तो Wisdom के द्वारा 21वीं सदी का सबसे valuable test player इंडिया के लिए किसे नामित किया गया है? यह रविंद्र जडेजा। खोलोंग गुचू इज द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो एक प्रोजेक्ट है खोलोंग गुचू, ये भारत और किस देश के बीच में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो ये भारत और भूटान के बीच में ये है प्रोजेक्ट। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डेवलप अ न्यू वे पोर्टल टू इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर पावर प्रोजेक्ट? तो पावर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मिनिस्ट्री है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का वे पोर्टल इशू किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। What is the theme of the National Statistics Day 2020 celebrated on June 29? तो June 29 को celebrate किया गया National Statistics Day। तो इस दिन इस day को celebrate किया गया तो इसका theme क्या था? तो इसका theme था Sustainable Development Goal 3 and Sustainable Development Goal 5। The Indian government has banned 59 Chinese apps by invoking its power under which app? तो अभी हाल फिलहाल में भारत का सरकार ने 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा बैन किया गया है? तो इसको बैन किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा, यानी IT एक्ट के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द किल कोरोना कैंपेन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको रोकने के लिए कौन सा स्टेट ने किल कोरोना कैंपेन को स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश के सरकार ने। Which is the first Indian state to launch a dedicated plasma bank to treat COVID-19 patients? तो बोल रहा है कि कौन सा इंडियन स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है जो COVID-19 patient जो
कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए अभी एक प्लाज्मा बैंक का इस्तेमाल किया गया था। ये कौन सा है जो पहली बार प्लाज्मा बैंक ट्रीटमेंट को यूज कर रहा था, वो है न्यू दिल्ली। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव $250 million लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर विच इंडियन स्टेट। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने $250 million दिया है, तो कौन से स्टेट को दिया है, ये दिया है तमिलनाडु को। विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर इंडिया कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम्स। तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। Who has been conferred with the lifetime achievement award for his contribution to statistics? तो किसे lifetime achievement award दिया गया है statistics में contribution के लिए, इसे दिया गया है सी रंगाराजन। Which Indian state or union territory has launched the world's largest convalescence plasma therapy project for treating COVID-19 named Platina? तो कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरेटरीज है जो प्लाज्मा थेरेपी का यूज करेगा ट्रीट करने के लिए COVID-19 पेशेंट को, और इसका नाम दिया गया है प्लेटिना। ये कौन सा स्टेट यानी यूनियन टेरिटरीज है, ये स्टेट है महाराष्ट्र। ए कम्युनिटी सेंटर कॉल्ड संस्कृत सद्भाव मंडप इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। विच इंडियन बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू इंटर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इलाइट पैनल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इलाइट पैनल में एंटर करने वाले सबसे यंगेस्ट भारतीय कौन है, तो वो है नितिन मेनन। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम लोकेटेड। तो बोल रहा है कि ड्रग एंड क्राइम का यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एक बार फिर सुनिए कि वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ड्रग्स और क्राइम का कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है वियना के अंदर। लजारस चेक्वेरा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। तो ये लजारस चेक्वेरा मलावी का प्रेसिडेंट के रूप में अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रधानमंत्री FMME स्कीम टू जनरेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35,000 करोड़। तो 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट को जनरेट करने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री ने अभी FMME स्कीम शुरू किया है, तो ये शुरुआत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। जुक्स दैट वाज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय अमेजन इज अ स्टार्टअप फर्म रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये जुक्स जो है, जो अभी रिसेंटली एक फर्म है, जो किसके द्वारा ये स्टार्टअप किया गया है, ये एक बार फिर से ध्यान सुनिए। जुक्स दैट वाज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय अमेजन। जुक्स को अभी हाल फिलहाल ने अमेजन ने एक्वायर किया गया है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है सेल्फ ड्राइविंग कार से। माइकल मार्टिन रिसेंटली टूक चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो माइकल मार्टिन ने अभी हाल फिलहाल में कौन से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के रूप में चार्ज लिया है, तो ये है आयरलैंड। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द आसियान Which has held its virtual annual summit? तो आसियान में कितने कंट्रीज हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आसियान में टोटल 10 कंट्रीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई और लाओस, ये 10 कंट्री है आसियान के अंदर है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो बोल रहा है ये एनपीसी जो है वो किसके अंदर काम करता है, तो एनपीसी जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट? तो ये टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका टेन्यूर कितना है, ये कितने साल के लिए रहेगा, ये आंसर 7 साल के लिए। What is the name of the COVID-19 health policy framed by the Insurance Regulatory and Development Authority? तो इस IRDA के द्वारा COVID-19 health policy के लिए एक insurance policy का नाम दिया गया है। इस policy का नाम क्या है? इसका नाम है Corona Kavach.
Which Indian state has formed a dedicated commission to create employment opportunity for the migrant laborers? तो migrant laborers के लिए employment opportunity create किया जा रहा है, तो कौन से state के द्वारा? तो ये state है मध्य प्रदेश. Which Indian institution developed an intensive care unit grade ventilator under the name of Project Pranav? तो ये है Indian Institute of Science. Who is the head of the Health Ministry Committee which recommended the serological survey? तो ये पूछ रहा है कि serological survey जो recommend किया गया उस country उस survey का head कौन था? तो इसका head है VK Paul. तो आज के वीडियो में बस इतने ही. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. आप लोग इस वीडियो का PDF जो है इस वीडियो के नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.